हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में स्वप्रेरक गुणांक के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में। दोस्तों, मैं बताऊंगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं फाइनली आपको अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा बताने जा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। मैंने पहले आपको बताया था स्वप्रेरण गुणांक। तो मैंने स्वप्रेरण गुणांक में आपको बताया था स्व का मतलब होता है स्वयं, स्व का मतलब आप क्या ले लेंगे स्वयं, और इसके बाद अन्योन्य का मतलब आप ले लेंगे अन्य। इतनी बात दोस्तों उम्मीद करूंगा आपकी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये अन्योन्य ये अन्य हो गया और स्व मतलब स्वयं हो गया। अब आप पढ़ रहे हैं चुंबकत्व वाला चैप्टर, इसलिए आपको कुंडलियां होती हैं इसमें, तो अन्योन्य मतलब अन्य दूसरी कुंडली पर। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि कोई एक कुंडली है, तो अन्योन्य का मतलब आप दोस्तों क्या देखा, अन्य का मतलब देखा आपने अन्योन्य। तो आप जैसे कि पढ़ रहे हैं चुंबकत्व वाला चैप्टर, तो वहां पर आपको कुंडलियां दी हुई होती हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक, आपको एक कोई कुंडली दी गई है यहाँ पर दोस्तों, क्या दी गई है, कोई एक कुंडली दी गई है, और यहीं पर पास में मैं एक कुंडली और दे देता हूँ, क्योंकि अन्य कुंडली कह रहा है। अन्य का मतलब होता है जब हम लोग दो आदमी एक साथ होंगे, तभी मैं कह सकता हूँ ना कि ये अन्य है और मैं अकेला हूँ। अगर मैं स्वयं की बात करूंगा तो मैं ओनली अपनी बात करूंगा। तो यहाँ पर जैसे मैं स्वप्रेरक गुणांक की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैं फाइनली आपसे कहूंगा क्या, स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा आप समझिएगा। मैं आपसे कहूंगा जब मैं किसी कुंडली में, मान लीजिए कोई कुंडली है, इसमें मैं विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा आई प्रवाहित करते हैं, तो उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल की उत्पन्न हो जाता है। मतलब इसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की और इसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, तो हमारा क्या कहलाया, स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहलाया। इसके बाद हम आ जाते हैं अन्योन्य प्रेरक गुणांक की परिभाषा में। तो हम कहेंगे क्या, जब हम प्राथमिक कुंडली में, इसे हम पहली कुंडली है जिसे मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली प्राइमरी, और इसे मान लेते हैं सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली, तो मैं कहूंगा क्या, जब मैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य का मतलब अन्य, यानी कि मैं जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, पास पर मैं रखी हुई दूसरी कुंडली पर विद्युत और बल उत्पन्न हो जाएगा, तो ऐसा ऐसे बल को हम क्या कह देंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा पास पास रखी, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कुंडलियां पास पास रखी हुई है, तो आप कहेंगे पास पास रखी दो कुंडलियों में से प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल की उत्पन्न हो जाता है, यह घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। मैं आपको पुनः दोहरा के समझा देता हूँ, अन्योन्य मतलब ले लेते हैं अन्य, तो यानी कि दो कुंडलियां हमें रखी हुई है, इसलिए हम इन्हें बोल देंगे पास पास रखी हुई दो कुंडलियों में प्राथमिक कुंडली में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो पास रखी द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, क्योंकि ये अन्य से संबंधित है। अगर आपको स्वप्रेरक की परिभाषा निकालनी है, तो स्व का मतलब होता है स्वयं, तो आप कहेंगे ये प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसी कुंडली पर, इसी कुंडली पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो स्व मतलब स्वयं यानी स्वप्रेरक गुणांक कहलाता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये टॉपिक आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ चुका होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं।